सवालों के साथ अपने मेहमानों को जोड़ूंगा, वो आपसे भी जुड़ा है। इसलिए आज ये शंखनाद मैं स्टूडियो से आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं, ताकि सवाल आप लोगों के साथ सीधे सीधे जोड़ सकूं। यूपी में काशी अयोध्या के बाद मथुरा में मंदिर निर्माण का शंखनाद हो रहा है, और मथुरा में मंदिर निर्माण की बात बीजेपी ने जैसे ही की, रामद्रोहियों में खलबली मच गई। कल तक मथुरा जाने से डरने वाले तुष्टीकरण के ठेकेदारों के सामने एक नई मुश्किल सामने आ गई, क्योंकि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के सामने यक्ष प्रश्न रख दिया कि क्या अखिलेश यादव मथुरा में कृष्ण मंदिर नहीं चाहते हैं। इसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद सफिकुर रहमान, जिन्हें तालिबान से मोहब्बत रही, वो औरंगजेब के समर्थन में बयान दे रहे हैं। उन्हें मथुरा में मंदिर निर्माण से इस कदर नफरत है कि उन्होंने राम मंदिर पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। हालात ये हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन करने वाली बहन जी को भी भगवा लहर से इस कदर डर लग रहा है कि उन्होंने भी मथुरा में मंदिर का विरोध करना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में औरंगजेब और बाबर में घमासान क्यों होने लगा है। रिपोर्ट के साथ शुरुआत कर रहा हूं और सीधा उसके बाद अपने मेहमानों से मिलवाता हूं। मिशन 300 प्लस, तो रूप का पत्ता मथुरा। राम नाम से 2019, कृष्ण नाम से 2022। यूपी चुनाव के दंगल में बीजेपी अपने भगवा रंग में पूरी तरह आ चुकी है। पिछले दो दिनों से यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य मथुरा में भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, और अब सियासी अखाड़े में केशव मौर्य ने तमाम विपक्षियों के साथ एसपी नेता अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए कृष्ण मंदिर पर सवाल पूछ दिया। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं, उनको इसका जवाब दे कि वो चाहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बने, उसका विरोध करना चाहते हैं, उनको साफ साफ इस पार या उस पार स्पष्ट करना पड़ेगा। डिप्टी सीएम ने साफ कर दिया कि अयोध्या काशी का काम पूरा, फिर मथुरा क्यों रहे अधूरा। यूपी चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, इसलिए तमाम विकासवादी एजेंडे पर लीड लेने के बाद बीजेपी जहां अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर आई, विपक्षियों में खलबली मच गई। चुनावी महाभारत में पिछड़ती बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने इसे बीजेपी का आखिरी हथकंडा करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक दिया गया बयान कि अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब अयोध्या की तैयारी है, ये भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से यानी हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। मौर्य के बयान पर बीएसपी के एतराज से पहले ही अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली पार्टी के लाल टोपी वाले खलीफाओं ने ऐलाने जंग कर दिया। मुसलमानों को मैदान में लाने और मथुरा के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कवायद शुरू कर दी। पब्लिक भी जानती है कि जिस तरीके से ये फैसला करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और उस जगह राम मंदिर जबरदस्ती बना दिया गया, ये बहरहाल आईन के खिलाफ हुआ है। मथुरा की शाही मस्जिद में मूर्ति रखने के हिंदू महासभा के ऐलान के बाद वहां के प्रशासन ने धारा 144 लगा दिए। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को भड़काने में पीछे नहीं है। लेकिन इन सब के बीच मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा सियासी परवान चढ़ने लगा है। यूपी के सियासी दंगल में बीजेपी इस मुद्दे पर जो चक्रव्यूह तैयार कर रही है, उससे निकलना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।